भाषण मुकाबले में मेरे बोलने का विषय है महारानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी वारंज परिवार में हुआ था। उसके बचपन का नाम मनुकर्णिका था, पर परिवार वाले उसे स्नेह से मनु पुकारते थे। जब वह केवल 4 सालों की थी तब उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। उन्हें बचपन से ही खतरों से खेलने का शौक था और वह बहुत निडर थी। सन 1842 में मनु का विवाह राजा गंगाधर राव से हो गया, किंतु कुछ सालों पश्चात भी स्वर्ग सुधार गए। लेकिन लक्ष्मी थी या दुर्गा, वह खुद वीरता की अवतार देव मराठी पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके पैर खिलवाड़। पर बदकिस्मती से उनकी अपनी कोई संतान ना बची, जिस कारण उन्हें अपना राज्य अंग्रेजों के हवाले करने का आदेश आया। लेकिन उन्होंने पूर्ण तरीके से मना कर दिया और अपने गोद लिए हुए बेटे को पीठ पर बांध कर उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई की। रानी लक्ष्मी बाई द्वारा दिखाई गई वीरता दुनिया की महिलाओं के लिए प्रेरणा है और वह आज भी हर औरत की बुलंद आवाज में जिंदा है। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी बुंदेले हरबो लोग के मुंह। हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जय जय।